press the bell icon on the YouTube app and never miss a... मदरसे के मदरसे बारे में, मदरसे में पढ़ने वाले सब के सब बच्चे इमरान खान के दीवाने हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मुझे तो मैंने वीडियो देखी, शेख साहब पहुँचे हैं एक मदरसे में, मदरसे ही लग रहा है भाई कोई, और वहाँ पर तो बच्चों ने खान साहब के नारे ऐसे बुलंद किए। ये जनाब देख लिया आपने, ये है खान साहब के जिहाद का नारा लगाने का असर, फायदा। अब आपको पता चला ये वाले नारे कितने कारगर होते हैं। बच्चा बच्चा खान साहब का फैन, खैर वैसे ही वो तो बच्चा बच्चा खान साहब का फैन है, उसमें कहने की क्या बात है। वो देखिए ना, उनके सामने वो जब उनसे मिलने जाते हैं, उनके सामने खड़े होकर नज़में पढ़ रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, कैसी कैसी वीडियोज़ आ रही हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखा दी, तो आपको पता है ये मौलवी से कौन टक्कर ले सकता है। अच्छा, आप समझते हैं कि इनसे टक्कर ली जा सकती है। हाँ अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने मौलवी से टक्कर लेने की कोशिश की तो क्या होगा। ये एक मौलाना साहब बता रहे हैं, ये जरा सुन लें। वो कह रहे हैं कि मौलाना से हमसे टक्कर लगो तो देखो हम ये कर गुजरेंगे। मैंने कहा कि जय झक मार, इसके बाद नहीं कहना मौलवी। इस तरह मौलवी के साथ टक्कर लेना कोई आसान नहीं है। कव्वे ने मौलवी की रोटी को उठाया, पुराठा उसने उठाया, किसी कपड़े पे बंधा हुआ था, उसने कहा शराफत से ला रख। मौलवी साहब ने कहा शराफत से ला करके रखो वापस, आपने किस गलती में किसकी रोटी आपने उठाई, वापस ला करके रख। कव्वे ने कहा क्या करोगे, कहा तो आपको पता चलेगा कि क्या करोगे, कहा ला शराफत से रख इसको वरना तेरी खैर नहीं। कहता क्या करोगे, कहा आज जुमे को ऐलान करूंगा सारे मौलवी पूरी उम्मत गलत है, मैंने असल किताबें देखी है, कव्वा हलाल है, पाकीज़ा गोश्त है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।